फ्रेंड्स, वेलकम टू लीना जैम्मी किचन। लीना जैम्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बारिश का मौसम शुरू हुआ है। बारिश के मौसम में कुछ टेस्टी चटपटा नमकीन खाने की इच्छा होती है, तो आज हम ऐसे ही टेस्टी चटपटा नमकीन बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे चना दाल नमकीन। एकदम बाहर मार्केट में जैसे चना दाल मिलती है, वैसे ही हमारी चना दाल नमकीन बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले 200 ग्राम चना दाल मैंने ली है। एक बर्तन में इसे हम डालेंगे और पानी अच्छे से डाल के उसे बढ़िया ऐसे वॉश कर देंगे। इस तरह हम इसे पानी में डिप करेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे हम 3 times पानी ऐड करके इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। 3 times मैंने इसे वॉश कर लिया है। चना दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। अभी इसमें 2 glass हम पानी ऐड करेंगे। पूरी तरह दाल उसमें डीप हो जाए ऐसे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और 1/2 teaspoon हमने खाने का सोडा लिया है, वो भी हम इसमें मिला देंगे और बढ़िया से इसे मिक्स कर देंगे। खाने का सोडा मिलाने से बढ़िया ऐसे क्रिस्पी हमारी दाल बनती है। अभी हम इसे कवर करके 4 घंटे के लिए दाल अच्छे से फूल जाए इसके लिए साइड में रख देंगे। 4 घंटे के बाद हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल बढ़िया ऐसे फूल गई है। अभी हम इसका पानी निकाल देंगे। एक छन्नी हमने ली है, नीचे एक बड़ा बर्तन रख दिया है। छन्नी के ऊपर हम दाल डाल देंगे और पानी उसमें से सेपरेट कर देंगे। पूरी दाल हम इसके ऊपर डाल देंगे और उसे बढ़िया ऐसे फिर से क्लीन वाटर डाल के अच्छे से धो लेंगे। इसे अच्छे से धो लेना ज़रूरी रहता है क्योंकि हमने सोडा डाला था, तो उसे अच्छे से वॉश हम कर लेंगे। अभी हम ये दाल एक कॉटन का कपड़ा अच्छे से बिछा लेंगे और उसके ऊपर सभी दाल हम इसे डाल देंगे। इस तरह हम पूरी दाल इस पे सूखने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चाहिए तो आप फैन लगा के इसे अच्छे से सुखा लेना। दाल हमें अच्छी तरह सुखा लेना ज़रूरी है। अगर दाल अच्छे से सूखी नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं बनती। तो क्रिस्पी ऐसे चना नमकीन बनाने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से कॉटन के रुमाल से बढ़िया से ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं बढ़िया ऐसे ड्राई हो गई है। अभी हम इसे फ्राई करने के लिए इस तरह का छन्नी का यूज़ करेंगे। एक पैन में हमने ऑयल हीट करने के लिए रख दिया है। पहले हम ऑयल अच्छे से हीट कर लेंगे, फिर फ्लेम मीडियम कर देंगे और इस तरह छन्नी उसमें डिप करेंगे और एक कटोरी से हम दाल डाल के उसे फ्राई करेंगे। स्टार्टिंग के 1 मिनट तक हमें ये दाल को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, उसे बिना हिलाते हुए ऐसे ही पैन में फ्राई होने देना है। जब बबल्स थोड़े कम हो जाए तब हम स्पून से इस तरह उसे हिलाते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया ऐसे क्रिस्पी बनने के लिए हमें इसे कंटिन्यू इस तरह हिलाते जाना है। दाल अच्छे से फ्राई हो रही है, बबल्स भी धीरे धीरे इसमें कम हो रहे हैं। हमने इसे लगातार चलाते हुए 4 मिनट तक बढ़िया ऐसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। बबल्स पूरी तरह निकलने बंद हो गए हैं, मतलब हमारी दाल अच्छे से फ्राई हो गई है। छन्नी को इस तरह स्पून से टैप करते हुए हम पूरा ऑयल दाल से निकाल लेंगे। हाथ से हम चेक कर लेंगे इस तरह, अगर दाल इजीली टूट जाए
तो बढ़िया ऐसे क्रिस्पी दाल बनके रेडी है। आप आवाज सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी दाल बनी है। देखा एकदम क्रिस्पी ऐसे दाल बन गई है। इसी तरह हम सभी दाल फ्राई कर लेंगे। दाल की एक बैच फ्राई करने के लिए हमें 4 मिनट लगते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें दाल अच्छे से फ्राई कर लेनी है। बहुत बढ़िया तरीके से हमारी सभी दाल फ्राई होके तैयार है। अभी हम इसमें मसाले मिलाएंगे। एक पॉट में हम सभी दाल निकाल देंगे। आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं रहा है। एक स्पून चाट मसाला हम इसमें मिलाएंगे। ये जो चाट मसाला हम बना रहे हैं ये मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। एक स्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। आधा स्पून गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। आधा स्पून मैंने सादा नमक लिया है और आधा स्पून काला नमक हमने लिया है। चाट मसाले में भी नमक रहता है तो हम नमक थोड़ा कम डालेंगे। आधा स्पून हल्दी डाली है। अभी हम सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यकीन मानिए इसकी टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगती है। मार्केट में जैसे दाल चटपटा मिलता है वैसे ही बढ़िया ऐसे हमारी चना दाल नमकीन बन गई है। ये जो चना दाल नमकीन हमने बनाई है ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। चाय के साथ बड़ों को भी बहुत बढ़िया लगती है। जब भी दोपहर में भूख लगे कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो तो आप भी ये दाल ज़रूर ट्राई करके देखिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मेरे YouTube चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी आप तक मैं पोस्ट आती रहूँगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फ्रेंड।